देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, पहला रेशियो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर इसके बाद कॉट थीटा, फिर इसके बाद सेक थीटा, फिर इसके बाद कोसेक थीटा। तो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम आज क्या करेंगे, इन एंगल्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए इनकी आज हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, वैल्यू हम कौन कौन से एंगल के लिए फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम 0 डिग्री के लिए देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम 30 डिग्री के लिए देखेंगे, फिर इसके बाद हम 45 डिग्री के लिए देखेंगे, फिर इसके बाद 60 डिग्री, फिर इसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल हैं 0, 30, 45, 60, 90, इससे भी आगे होते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी। ठीक है, इनके बीच में भी एंगल होते होंगे, जैसे 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके 30 डिग्री तक पहुंचता है। तो बीच वाले एंगल कहाँ गए सर? तो आंसर है, पहले हम क्लास 10th लेवल पर केवल इन्हीं एंगल्स की बातें करेंगे। पर्टिकुलरली जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो हम 90 से आगे के और भी एंगल पढ़ेंगे, और फिर साथ में इनके बीच के किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास में मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज़ जो जिस दिन हमने स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्री, हमने पढ़ा था कि ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, विच इज राइट एंगल एट बी। ओके, अब इस ट्राइंगल में सपोज करो बच्चों, यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में कैसी हो जाएं, इक्वल, कैसी हो जाएं, सपोज करो इक्वल हो जाएं। कभी अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो फिर आप ये कह रहे हो कि मान लो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे रहे होंगे, बोलो, इक्वल। क्यों? साइड सपोज, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये बात आती है आपको समझ में? ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल अगर आपस में हैं इक्वल, तो ये कितने कितने डिग्री के हुए, 45, 45 डिग्री के। यस, क्लियर सबको ये बात? ठीक, अब इस ट्रायंगल में एक खास बात है, क्या पी किसके इक्वल है, बोलो, पी किसके इक्वल है, बी के। ठीक है, ये जो साइड है, ठीक है, ये सपोज करो थोड़ी देर के लिए ए है, जो बेस है वो कितना है, ए है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी कितना है, ए, क्योंकि हमने कहा कि पी और बी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बता सकते हो ये हाइपोटेनस कितना रहा होगा? तो आंसर है यस, बता सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आता होगा? तो आंसर है एच का स्क्वायर, हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहाँ से ये कितना बनेगा, बोलो, 2a² और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, रूट। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, √2a। एक बार फिर से देखिए बोर्ड पर, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट बी। मैंने माना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कैसी है, इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के आएंगे, 45, एंगल सम प्रॉपर्टी से सिंपली। ओके, फिर से, फिर मैंने कहा कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैंने माना कि ये रहा होगा ए और ये भी रहा होगा कुछ ए या एक्स, जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैंने ये भी निकाल लिया। ठीक है,
तो अभी फिलहाल के लिए P और B मेरे पास आपस में कैसे हैं? इक्वल। इक्वल्स टू ये किसके हैं? A के। और हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास कितनी है बोलो? रूट टू ए। अब ध्यान से देखना बोर्ड पर, हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन। तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ये वाला एंगल लिया जाए, ठीक है, इस एंगल के लिए बताइए परपेंडिकुलर कितना है? ए। हाइपोटेनस कितना है? रूट टू ए। तो यहां पर ए से ए कितना बच जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती होगी? 1/√2। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि कॉस थीटा कितना होता होगा, तो कॉस थीटा क्या हुआ करता है बोलो? बी अपॉन एच। अब एंगल की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कितनी? जब 45 डिग्री एंगल है ये, तो बेस कितना है? ए। हाइपोटेनस कितना है? ए से ए कट गया, ये कितना आंसर आया? यानी कि कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती होगी। ठीक है, सिर्फ साइन कॉस की ही नहीं, आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है बोलो? पी अपॉन बी। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री क्या होता होगा? तो आंसर है परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, और बेस है हमारे पास क्या? ए। ए से ए कैंसिल, आंसर कितना आएगा? ठीक, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ आ गई आपसे बात? ओके। इसी तरह से कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो कॉट 45 डिग्री की भी वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो देखो कैसे निकालोगे। कॉट, कॉट क्या होता है बोलो? बी बाय पी। बी कितना है? ए। पी कितना है? आंसर कितना? अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि सेक 45 डिग्री कितना होता होगा, तो सेक क्या होता है? एच अपॉन, यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो एच अपॉन बी। एच कितना है? रूट टू ए। बी कितना है? ए। ए से ए कैंसिल, क्या बच जाएगा? यानी सेक 45 की वैल्यू रूट टू होती होगी। इसी तरह से कुसेक 45 निकालना है। कुसेक होता क्या बोलो? एच अपॉन पी। एच रूट टू ए, पी ए, ए से ए कैंसिल, क्या बचा? ठीक, तो ये जो सारी वैल्यू हैं ये आपके पास कौन से एंगल के लिए निकल कर आ गई? 45 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई बात? कैसे निकाला? एक आइसोसेलस ट्रायंगल ले लो, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये ए है, ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लो। फिर सिंपली वहाँ पर साइन और कॉस टेन जो भी आपको निकालना है उसकी बस वैल्यू निकालते जाओ, लिखते जाओ, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या कि 45 डिग्री के लिए हमारे पास साइन की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सेक और कुसेक। ठीक है, ये तो बात हो गई 45 डिग्री की। अब इससे आगे की बात है, देखो बच्चों ध्यान दो, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक लाइन है, या एक लाइन सेगमेंट मान लेता हूँ, चलिए इसको एग्जांपल के लिए ए बी। ठीक है, ये जब एक लाइन सेगमेंट है तब अभी ये फिलहाल कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। कोई भी लाइन सेगमेंट को जब हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक एंगल बनाना स्टार्ट कर देता है। एग्जांपल के लिए मान लो ये यहाँ पर है अभी, अगर मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करूँ, ऐसे, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, और अगर मैं इसको ऐसे लेकर आऊँगा तो क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, ऐसा यहाँ पर कहीं लेकर आ जाऊँ, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? एंगल। समझ आ रही है बात आपको? तो ये बात क्लियर हो गई, एंगल क्या होता है? अगर कोई आपसे ये पूछ ले एंगल किसे कहते हैं, तो आप कहना एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन।
ठीक है, जितना ज़्यादा आप अमाउंट रोटेट करोगे उतना बड़ा क्या आएगा, एंगल, जितना कम रोटेट करोगे उतना कम क्या आएगा, एंगल. सो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन. ओके, नाउ अब आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, इम्पोर्टेंट है. मान लो जब मैं रोटेट करा रहा था बच्चों, ठीक है, तो मैंने इतना रोटेट कराया तो हाइट कुछ इतनी आई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब लेकिन अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट कराता, ज़्यादा रोटेट कराने पर देखना क्या होगा, ज़्यादा रोटेट कराने पर लाइन सेगमेंट यही है, बस ज़्यादा रोटेट करा दिया, जब ज़्यादा रोटेट कराया है तो देखो क्या हुआ, एंगल बड़ा बना और क्या बढ़ने लग गया, बोलो, हाइट बढ़ रही है लेकिन एक चीज़ कम हो रही है, क्या, बेस, दिख रहा है क्लियर. पहले इतना बड़ा बेस था और इतनी बड़ी हाइट थी, जब एंगल बढ़ाया तो हाइट बढ़ गई लेकिन क्या कम हो गया. अब मैं फिर से और एंगल बढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहां से यहां लेकर आया, ये देखिए यहां लाया, ठीक, ये ऐसे, क्या बढ़ रही है, क्या कम हो रहा है, हर बार एंगल बढ़ाने पर. ऐसा करते 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 मैं यहां पर आ गया, अब एंगल कितना हो चुका होगा, 90 डिग्री. ठीक, आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या, कि ये जो हाइट है ये इस हाइपोटेनस से पहले छोटी है, दिख रही है, लेकिन ये अप्रोच कर रही है किसको, इसके इक्वल होने के लिए अप्रोच कर रही है. आप ध्यान से देखना, ये पहले इतनी छोटी थी, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, और जैसे जैसे इसको इधर लाते जाओगे, ये वाली हाइट और ये वाला जो हाइपोटेनस है, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल. ठीक, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब यहां पर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई होगी, तब उस केस में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस थे वो आपस में कैसे हो चुके होंगे, इक्वल. और एक चीज ऐसी है जो कम होते 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 जीरो हो चुकी होगी, क्या, बेस. पहले इतना बड़ा था, फिर इतना, फिर इतना ही रह गया, और जब मैं बिल्कुल इसको इधर लेकर आ गया तो बेस कम होते होते जीरो हो गया. तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बेस की वैल्यू जीरो हो चुकी है. कब, कब हो चुकी है बेस की वैल्यू जीरो, जब हमारा थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 90 डिग्री. ये समझ आया, क्लियर. एक बार फिर से, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं इन एनी डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एंगल. ठीक है, एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, मोर इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मोर इज द एंगल. ओके, जब मैंने यहां पर कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा एक कोई एंगल क्रिएट किया, तो मैंने देखा यहां पर एक हाइट भी क्रिएट हो गई है, ठीक है, और यहां पर एक बेस भी क्रिएट हो गया है. ओके, लेकिन जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जा रहा था, वैसे वैसे हाइट बढ़ती जा रही थी और बेस कम होता जा रहा था, और करते 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 जब मैं 90 डिग्री पर आया तो मेरी हाइट हाइपोटेनस के इक्वल हो गई और बेस की वैल्यू कम होते होते जीरो हो गई. अब ये ऑब्जर्वेशन है मेरे पास. नाउ अब हम मान लो यहां पर, ऑफकोर्स अब हमारा एंगल कितना बन चुका है, 90 डिग्री, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अब एंगल 90 डिग्री हो चुका है. तो अगर मान लो मुझे साइन 90 डिग्री निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो आंसर है कि साइन किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एच. पी और एच, या आप देखिए ध्यान से कैसे हैं आपस में इक्वल, तो पी ऐसे ही, ठीक है, एच को मैं पी लिख सकता हूँ, आपस में इक्वल है, पी से पी, आंसर इज, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती होगी, 1. समझ आ गई बात आपको. एक बार फिर से, अगर मान लो कोई बच्चा cos 90 जानना चाहता है, तो हम जानते हैं कि cos 90 b by h के इक्वल होता है, बट आपने तो कहा था कि b की वैल्यू जीरो हो चुकी है 90 डिग्री पर, और h ऐसे ही, ठीक है, अगर h से जीरो को डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना, जीरो, यानी कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती होगी, जीरो. ठीक, अब एक बार फिर से, tan 90 हम जानते हैं tan होता है p by b, परपेंडिकुलर, ओके, ऐसे ही, ठीक है, बेस कितना है, जीरो. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है,
तो ये जो डिवीजन है ये इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो मैं यहां पर लिख दूंगा ये क्या आया है, नॉट डिफाइंड। यानी कि टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती होगी, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉट 90 निकालिए, ये होता है बी अपॉन पी, बेस कितना है जीरो, परपेंडिकुलर ऐसे ही ठीक है, जब आप डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना जीरो। सिमिलरली हम लोग बाकी एंगल्स के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सेक 90 डिग्री, सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन बी, एच कितना है चलिए एच ही रखते हैं, बेस कितना है जीरो, कितना आंसर आएगा नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। ठीक ओके, कुसेक 90 निकालिए, कुसेक हम जानते हैं क्या होता है एच, ऐसे ही ठीक है, परपेंडिकुलर ये तो इसके इक्वल ही है तो परपेंडिकुलर को मैंने एच लिख दिया, एच से एच कैंसिल, तो यानी कुसेक 90 की वैल्यू 1 होती होगी। ठीक है, तो ये आपने मुझे 90 डिग्री की वैल्यू निकाल कर दिखा दी। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई कि हमने निकाली कैसे, इस ऑब्जर्वेशन से, ये ऑब्जर्वेशन हमें कब कब मिला, जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करते करते 90 पर लाया, ये वाली साइड बड़ी होते 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 इसके इक्वल हो गई, किसके, हाइपोटेनस के। ठीक है, और ये जो बेस था, जैसे ही हाइट ये बड़ी होती जा रही थी हर बार बेस की वैल्यू कम होती जा रही थी हर बार, देखो अगली, और अगर मैं अगली हाइट पर लेकर जाता इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ कहीं, तो ये देखिए और छोटे हो गया बेस, बेस छोटा होता जा रहा था। ठीक है, एक टाइम जब ये बिल्कुल जस्ट इसके बराबर आ गया होगा तो बेस भी यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है जीरो हो चुका होगा, उसके बेसिस पर हमने ये वैल्यू निकाल लिया। ओके, तो हम इसको नोट भी कर लेते हैं, क्या फाइंड किया आपने, साइन जीरो सॉरी साइन 90 हमने निकाला है, अभी साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 10 कितना होता है और कॉट कितना होता है, सेक कितना होता है एंड कोसेक। ठीक है, तो आपने मुझे दो एंगल की वैल्यू निकाल कर दे दी, एक तो 45 और 90। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट कराता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको रोटेट कराऊँ तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक एंगल और ऑफ कोर्स एक हाइट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, एंगल को बढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या बढ़ता जाता है, हाइट। लेकिन अगर मैं जस्ट इसके अपोजिट सोचूँ, मतलब मैं एंगल को कम करना चाहता हूँ, तो मान लो अगर मैंने एंगल को कम किया तो क्या कम हो गई, क्या बढ़ गई, बेस। समझ आ रही बात, फिर किसी ने कहा कि मैं तो और कम करूँगा एंगल, ये लो, ठीक है यहाँ पर कहीं ऐसे, ठीक है यहाँ 90 डिग्री, नो थोड़ा इससे आगे जाएगा, यहाँ कहीं, इसी लाइन पर ही बल्कि लेके आ जाता हूँ। ठीक है, हाइट की वैल्यू देख रहे हो आप, हाइट की वैल्यू कितनी बची है इतनी, और बेस की वैल्यू देखो इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, आप और कम करते जाओ, जब एंगल को और कम करोगे तो और छोटा होता जाएगा, और ये वाली जो हाइट है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो मान लो मैं इसको और छोटा करता हूँ, एंगल देखना छोटा होता जा रहा है ये, अब हाइट कितनी बची है इतनी सी, ठीक, और आप देख रहे हो बेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, या मुझे कहना चाहिए हाइपोटेनस जो है वो किसके इक्वल होता जाएगा, बेस के इक्वल। ठीक है, या इसको इस तरह से ना देखना चाहो तो आप इस तरह से देख लो, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अभी इस एंगल को मैं छोटा करूंगा, ठीक है, एंगल छोटा हुआ तो क्या कम हो गई, हाइट, अभी भी बेस उतना ही है, हाइपोटेनस कुछ और है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं एंगल और छोटा कर रहा हूं,
ठीक है, अब क्या कम हो गई? हाइट। और ये जो हाइपोटेनस है किसको अप्रोच कर रहा है? वो हमारे बेस को। और अगर मैं सपोज करो ये वाला जो हाइपोटेनस है ये बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर लेकर आ जाऊं तो किसकी वैल्यू जीरो हो चुकी होगी? हाइट की। हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जो हाइपोटेनस था वो जस्ट किसके इक्वल हो चुका होगा? बेस के। ठीक, समझ आ रही है बात आपको? ये जो ऑब्जर्वेशन है इस ऑब्जर्वेशन पर यहां पर एंगल कितना बचा होगा बताइए? कितना? जीरो डिग्री। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? तो फॉर जीरो डिग्री हमने ये ऑब्जर्वेशन मिले। एक बार फिर से देख लो, ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं फुल इतना रोटेट करा दूं कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। इस टाइम बेस की वैल्यू बताओ कितनी है? जीरो है, हमने देखा था 90 डिग्री वाले में। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कहीं लेकर आ जाऊँ तब मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूँ तो क्या क्रिएट हो गया? एक बेस। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, ठीक है, तो अगेन क्या बढ़ रहा है? अब बेस बढ़ता जा रहा है। ठीक, और मैं इसको और बड़ा करूं और मतलब एंगल को और छोटा कर दूं तो फिर क्या बढ़ता जा रहा है? देखो आप, बेस। और क्या कम होती जा रही है? हाइट। तो धीरे 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 करके जैसे 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 मैं एंगल को और छोटा करता जाऊंगा हाइट की वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगी? जीरो। और ये जो हाइपोटेनस था वो किसके इक्वल हो चुका होगा बोलिए? बेस के। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमें मिले। नाउ अब आप वन बाय वन वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन जीरो, साइन क्या होता है? पी कितना है? अच्छा, हमने पी लिखा, ओके, यहां पर मुझे पी लिखना चाहिए। पी, पी कितना हो चुका है? जीरो। और हाइपोटेनस एच कितना आया आंसर? ओके, कॉस जीरो डिग्री क्या होता है? बी कितना है? ओके, बी बी ही ठीक है। एच को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं? तो आंसर कितना आएगा? यानी कॉस जीरो वन होता होगा। इसके बाद टेन जीरो, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर जीरो बेस बी, आंसर कॉट जीरो। क्या होता है कॉट? बोलो, बी अपॉन पी, बेस ऐसे ही ठीक है, परपेंडिकुलर नॉट डिफाइंड। इसके बाद सेक, सेक क्या होता है? एच अपॉन बी, एच कितना है? बी के इक्वल है, तो आंसर इज। और इसके बाद कोसेक जीरो क्या होता है? एच अपॉन एच ऐसे ही ठीक है, परपेंडिकुलर जीरो, आंसर इज। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जीरो डिग्री के लिए निकल कर आ गई। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? जब एंगल जीरो हो चुका होता है तो उस केस में कोई भी हाइट नहीं होती है और हाइपोटेनस और बेस आपस में इक्वल होते हैं। जब एंगल 90 डिग्री हो चुका होता है तब जो हाइट है वो फुल हो चुकी होती है, यानी किसके इक्वल? हाइपोटेनस के इक्वल। और क्योंकि बेस खत्म हो चुका होता है इसलिए हम क्या कहेंगे? बेस जीरो। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपने मुझे जीरो डिग्री की वैल्यू भी निकाल कर दे दी। साइन जीरो होता है जीरो, कॉस जीरो वन, टेन जीरो जीरो, कॉट जीरो नॉट डिफाइन, सेक कितना होता है? जीरो, सॉरी वन, और कुसेक नॉट डिफाइन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमें मिले, जीरो भी निकाल लिया हमने, 90 डिग्री भी निकाल लिया। अब दो एंगल और हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर, ठीक है, डी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हम दो एंगल की बातें करेंगे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
ठीक है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल ए बी ए सी और बी सी, ये जो तीनों साइड हैं ये आपस में इक्वल हैं। यहाँ मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स आपस में कैसी होंगी? इक्वल, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो उस सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि अगर ये 2a है तो ये कितना होगा a और ये कितना होगा a, या मैं ये कहूँ कि d मिड पॉइंट होगा यहाँ पर। ऑफ कोर्स क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या रहे होंगे, कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कॉमन साइड। यहाँ पर भी देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और कॉमन साइड। तो आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट। तो बाय सी पी सी टी ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर से ये ट्राइंगल ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट डी, ठीक है। ए डी यहाँ पर एक एल्टीट्यूड है। अब ये जो एल्टीट्यूड है इसकी हम हाइट निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। इस वाले ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो देखना क्या होगा, 2a का स्क्वायर इक्वल रहा होगा किसके, ए डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ से ये कितना आएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना बचा, 3a स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा और यहां से AD की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, तो ये भी पता चल गया, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस और ये बेस। इस ट्राइंगल की ही बातें करेंगे। अब इस ट्राइंगल में क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये एंगल कितने का रहा होगा, तो ये कितने का रहा होगा, 30 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना निकल कर आएगा, 30 डिग्री, ठीक। अच्छा अब वन बाय वन आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस एंगल की बातें करना, सिर्फ जब मैं थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री की बात करूंगा तो इस एंगल के लिए बता सकते हो परपेंडिकुलर कितना है, बोलो, रूट थ्री है। बेस कितना है और हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब आप निकालो साइन 60 डिग्री क्या होता है, पी अपॉन एच, पी कितना है, एच कितना है, तो ये आ जाएगा रूट थ्री बाय। सिमिलरली कॉस 60 निकालिए, पी अपॉन नहीं बी अपॉन एच, बी बेस कितना है ए और एच कितना है 2a, तो 1 बाय 2 होती होगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली टेन 60 डिग्री, पी अपॉन बी होता है और पेंडिकुलर कितना है, रूट थ्री ए बेस a, तो आंसर कितना आता होगा, ओके। इसके बाद कॉट, कॉट क्या होता है, बेस कितना है, ए पी, ए से ए कैंसिल, क्या आया आंसर, 1/√3। इसी तरह से आप निकालिए sec 60, sec 60 कितना होगा, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस कितना है, बेस, आंसर 2। इसी तरह से निकालिए कुसेक 60, एच अपॉन पी, एच 2a और ये रूट 3a है, तो आंसर 2/, ये 60 डिग्री की वैल्यू निकल गई सारी, ठीक है। ये हम यहाँ नोट कर देते हैं, साइन 60 रूट 3/2, कॉस 1/2, टेन रूट 3, कॉट 1/√3,
और sec 2 cosec 2 by root 3। ठीक है, 60 डिग्री का भी हो गया। अब एक एंगल और बचा हुआ है हमारे पास 30 डिग्री, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम इसी ट्रायंगल से ही निकालेंगे। इसी वाले ट्रायंगल में जब हम 30 डिग्री वाले एंगल की बात करेंगे इसकी, ठीक है, तब बताइए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ए। बेस का काम रूट थ्री ए, और हाइपोटेनस सेम रहेगा 2a। ओके, नाउ साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालिए। क्या होता है? p बाय एच परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 2a, तो 1 बाय 2 आंसर आएगा, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय 2 होती होगी। ठीक है, अब निकालिए कॉस 30 डिग्री b बाय एच, बेस हाइपोटेनस, तो कॉस 30 होता होगा कितना? रूट थ्री बाय टू। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री बाय टू होती है। इसी तरह से टेन 30 डिग्री, टेन क्या होता है? पी बाय परपेंडिकुलर बेस रूट थ्री ए, ए से ए कट जाएगा, तो आंसर कितना? सिमिलरली कॉट 30 डिग्री क्या होता है? बेस कितना है? परपेंडिकुलर, आंसर इज सिमिलरली sec 30, sec 30, sec कितना होता है? h अपॉन b, हाइपोटेनस 2a, बेस रूट 3a, a से a कैंसिल 2 बाय रूट 3, ये sec 30 की वैल्यू होती होगी। और cosec 30 की वैल्यू भी निकालिए, h अपॉन p, h 2a परपेंडिकुलर a से a कैंसिल, आंसर इज, ये हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई एट 30 डिग्री। इसको भी नोट कर लेते हैं, साइन 30 इज 1 बाय 2, कॉस रूट 3 बाय 2, टेन 1 बाय रूट 3, कॉट रूट 3, सेक 2 बाय रूट 3, एंड दिस इज 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। तो ठीक है, अब ये हमारे पास कंप्लीट टेबल आ गई। अब ये जो टेबल है, अभी तक मैंने क्या किया, आपको ड्राइव करके दिखाई है कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 या 30 डिग्री, 60 डिग्री पर वैल्यू कैसे आई। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि साइन 30 की वैल्यू आपने याद कर ली, 1 बाय 2 होती है और काम ख़त्म। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ है कि आपको ये पता भी है कि साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 क्यों होती है। तो क्यों का आंसर मैंने आपको दे दिया हर एक एंगल के लिए, कि हर एक एंगल का आंसर इतना क्यों होता है। जब आपको ये पता चल गया, आप जानते हो कि इसका आंसर ये क्यों है, लेकिन आपको वो ड्राइव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना है। ठीक है, ये जितने भी डेरिवेशन मैंने आपको करवाए हैं, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन लेकिन तैयार सारे रखने हैं। क्यों? क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट बनाता है आपका आगे की क्लासों के लिए। ठीक है, कि कौन से एंगल की वैल्यू कितने पर आ रही है, यहीं से बेस बनेगा, और आगे की क्लासों में अगर मैथ्स आप लोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम में कोई नहीं आता है इनमें से। तो बेसिकली हमें किसका यूज करना है क्लास 10th लेवल पर? केवल इस टेबल का, जिसमें ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब ये वैल्यू एग्ज़ाम में हमें सपोज करो याद नहीं आ रही है कौन सी वैल्यू क्या थी, हम कुछ भूल गए, तो हम क्या करेंगे? तो आंसर है कि हम एक छोटा सा मेथड बना लेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे इनको याद करने की। ठीक है, इनको याद करने की एक ट्रिक हमने ये बना लेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे 0, यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ लिख लेंगे 2, यहाँ लिख लेंगे 3, और यहाँ लिख लेंगे 4। लिख लोगे 0, 1, 2, 3, 4 लिखने में तो आसानी है, कुछ भी नहीं है। और फिर जितनी भी ये क्वांटिटी लिखी हुई है, इन सब का हम लगा देंगे क्या? रूट। ठीक है, ये लगा दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर
फिर इन सबको हम डिवाइड करा देंगे। किससे किससे डिवाइड कराओगे? फोर से डिवाइड कराओगे? रूट फोर से, ठीक है कराओ। या मैं सिंपली ये कह दूं कि टू से डिवाइड करा दूं। किससे डिवाइड करा दूं? टू से। फिर से क्या करना पड़ेगा? पहले क्या लिखना है? जीरो वन टू थ्री फोर, फिर उनके ऊपर क्या लगा देना है? रूट, और इन सबको किससे डिवाइड करा देना है? टू से, ठीक है। अब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएं, आंसर कितना आएगा? बोलो, जीरो। रूट वन की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? टू। तो यानी कि ये क्या बन गया? बोलो, वन बाय टू बन गया, ठीक है। और रूट टू से ये कितने टाइम कैंसिल होगा? रूट टू टाइम्स, ठीक। तो यानी कि ऊपर है वन और नीचे क्या है? रूट टू। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर क्या मिला? बोलो, वन पॉइंट रूट टू। और ये वाली क्वांटिटी यही ऐसे ही ठीक है, रूट थ्री बाय टू। और ये रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है? टू, और अपॉन में क्या चल रहा है? टू। तो आंसर कितना आएगा? वन। तो केवल ये है जो हमें बस याद रखना है, ठीक है। बस इतना सा काम है जो आप अगर आप कर लोगे तो उसके बाद कंप्लीट ट्रेवल बन ये जो बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। कैसे किया याद है? जीरो वन टू थ्री फोर लिखना है, उनके ऊपर रूट लगाना है, उनको टू से डिवाइड करना है, और जब उनको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जब ये वैल्यू मिल जाए तो इनको यहाँ से पकड़ कर ऐसे रोटेट करके यहाँ लिख देंगे, मतलब वो वाली क्वांटिटी यहाँ आएगी। इसको बस पकड़ के ऐसे रोटेट करके यहाँ लिख दो। यहाँ क्या आएगा बोलो? यहाँ पर ये और ये। तो बस हमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे रोटेट कर दिया, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर डे वन मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, पढ़ा था हमने। तो अब कुछ मत करो, इन दोनों नंबर को डिवाइड करते जाओ। बोलो इसको डिवाइड करके, जीरो को वन से डिवाइड कराओ क्या आएगा, और वन बाय टू को रूट थ्री बाय टू से, तो टू से टू वन बाय रूट थ्री बचेगा। इससे ये कैंसिल हुआ तो क्या आया? टू से टू कैंसिल हुआ, कितना बचा? और वन से जीरो, बिना किसी डेरिवेशन के आप यहां तक पहुंच गए। फिर इसको पकड़ो और इसको पकड़ के उल्टा कर दो, ठीक। लिखते जाओ बिना सोचे समझो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको उल्टा करना है, ठीक है ना। इतना तो कर ही लोगे। क्या किया है? वो क्वांटिटी पकड़ के बस ऐसे लिख दिए, तो ये आंसर आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज हमने डे वन पढ़ी थी कि जो सेक थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस थीटा। यानी कॉस के ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, इन सबको अगर हम वन से, इन सब से अगर हम वन को डिवाइड कराते जाएंगे, या मैं ये कहूँ कि इन सब के हम क्या लिखते जाएंगे? रेसिप्रोकल, तो हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। तो वन का रेसिप्रोकल कराएं तो आंसर क्या आएगा? इसका उल्टा करें तो, और इसका रूट टू अपॉन वन आएगा, बट मैं रूट टू लिख रहा हूँ, और ये टू अपॉन वन टू, और इसको वन अपॉन जीरो करोगे तो कितना आएगा? कितना बनेगा? ये बन गया। फिर बस इसको पकड़ो और उल्टा कर दो, ठीक। तो देखना क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड टू और रूट टू, टू बाय रूट थ्री एंड वन, ठीक। तो जब आप पहला लिख लेते हो तो पहले को पकड़ के उल्टा करते हो तो क्या आ जाता है? कॉस। फिर जब डिवाइड कराते हो इनको तो क्या आता है? टेन। फिर उल्टा करके लिख देते हो तो क्या आ जाता है? कॉट। और जब इसके कॉस के रेसिप्रोकल लिख देते हो तो क्या आ जाता है? सेक। और इसका उल्टा कर देते हो तो क्या आ जाता है? कोसेक। इसको रोटेट करके लिखते हो तो इस तरह से ये पूरी टेबल तैयार हो गई, बिना कुछ याद किए हुए, ठीक है। बस एक छोटी सी ट्रिक लगाई और सारे वैल्यू आ गई आपके सामने। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये एंगल्स की वैल्यू याद होती जाएंगी आपको, और याद होनी भी चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि एग्ज़ाम में जाकर पहले टेबल बनाते हैं और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल बना के याद करना पड़ रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में भी,
तो इसका मतलब आपकी एंगल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतनी है नहीं। अगर एंगल वाले क्वेश्चन की आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी तो ये सारी वैल्यू आपको याद होंगी हर हाल में, अपने आप ही ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। साइन 30 की वैल्यू 10 बार 1/2 लगाओगे तो वो याद हो जाएगी, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। या किसी दिन 15 या 20 मिनट लगाएंगे इस पूरी टेबल को याद करने में, बैठ के अगर याद करते हो तो। मेरे हिसाब से तो याद हो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्लास 11 12th में जब आप जाओगे आगे JEE या किसी तैयारी करोगे तो वहाँ पर टेबल थोड़ी बनाते रहोगे हर क्वेश्चन के लिए, समझ आ रही है बात आपको। तो आपको क्या करना है, इनको याद करना है, कोई भी वैल्यू बोर्ड पर देखो और याद हो जाए। मैं कैसे याद रखता हूँ इन वैल्यू को, मैंने सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर ली है, साइन की वैल्यू से मैं सारी वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैंने अभी आपको करके दिखाया कैसे सोचता हूँ मैं। अगर मान लो आपने मुझे पूछा कि सर कॉस 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती होगी, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती होगी, साइन 60 की जितनी वैल्यू होती होगी उतनी किसकी, कॉस 30 की होती होगी। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि बताना कि साइन कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती होगी, तो मैं सोचता हूँ साइन 60 की जितनी होती होगी उसका उल्टा होती होगी, यानी साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना होगा, 2/√3। तो मैंने केवल साइन की वैल्यू याद की हुई है, उससे सारा निकल के आ जाता है, सामने निकल के आ जाएगा। आप भी अपनी कोई भी ट्रिक याद बना सकते हो, लेकिन ऐसे रटने की या ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो अपने आप याद हो जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करे अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।